बिहार पुलिस ने दिनांक 23-24 जनवरी की रात्रि में वांछित एवं सक्रिय अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में राज्य स्तरीय समकालीन अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान राज्य भर से गंभीर कांडों के 649 वांछित सक्रिय अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें हत्या के कांडों के 55 अभियुक्त शामिल है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी पटना जिले से हुई है। अभियान के दौरान कुछ 13 आग्नेयास्त्र, 27 कारतूस, विदेशी शराब 16,253 लीटर, देशी शराब 4,523 लीटर, गांजा 27 किलोग्राम, वाहन 122, मोबाइल फोन 47, नगद राशि 1,93,710 रुपया को बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त शराब बनाने के उपकरण, पिस्टल का 2 मैगजीन, 64 पुड़िया स्मैक, 343 ग्राम हीरोइन एवं 12 अवैध शराब की भट्टी विनष्ट की गई है। इस अभियान के दौरान राज्य भर में गंभीर कांडों में 649 वांछित सक्रिय अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें हत्या के कांडों में 55 अभियुक्त शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान राज्य के विभिन्न कांडों में वांछित 2,228 अन्य अभियुक्तों सहित कुल 2,877 गिरफ्तारी की गई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं, जिनके डिटेल्स हम आपसे साझा कर देंगे बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगी, अभियान के दौरान कुल आग्नेयास्त्र 13, कारतूस 27, विदेशी शराब 16,255 लीटर, देशी शराब 4,523 लीटर, गांजा 37 किलोग्राम, इसमें 122 वाहनों को भी जब्त किया गया, मोबाइल फोन्स 47 और नगद राशि 1,93,710 रुपये बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त शराब बनाने के उपकरण, पिस्टल का 2 मैगजीन, 64 पुरिया स्मैक और 343 ग्राम हीरोइन एवं 12 अवैध शराब भट्टियों को विनष्ट किया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट उपलब्धियां थी इस ड्राइव की, जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा जो 26 जनवरी को लेके हमारी कार सब जगह इस विशेष अभियान के माध्यम से भी और बाकी भी लगातार 26 जनवरी तक जारी रहेंगी, और हम लगातार ये जो समकालीन अभियान है, ये जो इस बार किया गया, इसे महीने में एक बार या दो बार करते रहेंगे। तो ये अभियान जारी रहेगा और जैसे जैसे इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। सबसे अधिक गिरफ्तारी आपको बता देती हूँ कि पटना जिला से हुई है। इसका नंबर जघन्य कांडों में सिर्फ जो नंबर है वो 161 है और टोटल गिरफ्तारी जो है पटना जिला से वो 278 हुई है। सो पटना जिला की गिरफ्तारी सबसे अधिक है। रेंजेस की अगर बात करें हम तो मगध रेंज जो है वहाँ से गिरफ्तारी सबसे ज़्यादा है। वहाँ से टोटल गिरफ्तारी की जो संख्या है वो 459 है। और इसके अतिरिक्त जो जघन्य कांडों की बात है उसमें 99 गिरफ्तारी मगध रेंज से हुई है।